लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक में फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक समेत सभी कंपनियों का आचार संहिता का मसौदा लाने का भरोसा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कल सोशल मीडिया ग्रुप के साथ अहम बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफी सवाल जवाब भी हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन को चुनावी मशीनरी द्वारा किए गए काम की निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। उन्हें ऐसे मामलों का पता लगाना है और रोकना है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा हो। दोनों अधिकारी खुफिया सूचनाओं की निगरानी करेंगे और चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी निगरानी रखेंगे। चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सीबीडीटी के अध्यक्ष ईसी मोदी अपने सभी आईटी जांच इकाइयों के प्रमुखों के साथ देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर राजनीति में वंशवाद पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने 2014 में एनडीए की सरकार बनने के से बात शुरू की। उन्होंने लिखा कि तब सरकार ने परिवार तंत्र से ऊपर उठकर ईमानदारी को चुना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद, संविधान, सरकारी संस्थान, सेना का जिक्र करते हुए लिखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में उनका गलत इस्तेमाल और अपमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 2014 में जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना से काम करती है, जो दिखाई भी देता है। उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश की संस्थाओं को कमजोर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली की पूर्व संध्या पर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आम लोगों को पर्दे के पीछे से निकालकर एक नए भारत के ध्वजवाहक के रूप में लाना चाहते हैं। ये सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर अंत्योदय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की दो दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का प्रस्ताव दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डी के अरुणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने और 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें केरल के 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले अपनी 5वीं सूची में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था।
सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 13 और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वाम मोर्चा राज्य के लिए अब तक 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है। हालांकि सीपीएम ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए कहा है कि उसने बाकी उन 4 सीटों के लिए नामों का ऐलान नहीं किया है जहां पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। मोर्चे के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब आया तो 38 उम्मीदवारों की सूची में फेरबदल भी हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष पैलेस कंपाउंड ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा के बजट को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम यहाँ सत्ता में थे हमने आफ्सपा के असर को कम किया था। मणिपुर दौरे में पहुंचे राहुल गांधी ने राजधानी इम्फाल में जनसभा को भी संबोधित किया। स्पेशल स्टेटस टू द नॉर्थ ईस्ट विल बी रीइंस्टेटेड, यू विल गेट इट बैक। आई एम कमिटिंग टू यू हियर अगेन दैट द स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द नॉर्थ ईस्ट दैट वाज स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू इज गोइंग टू बी गिवन बैक टू यू। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद वाराणसी के रामनगर इलाके में किला घाट स्थित शास्त्री स्मृति भवन पहुंची और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन बेहतर स्थिति में है। उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव ना लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने आज हिंजली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 9वें भाग में आंकड़ों के आधार पर पिछली सरकारों और एनडीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। वित्त मंत्री ने जीडीपी, विकास दर, महंगाई, राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि विपक्षी नेता आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को समझने के बजाय केवल राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ एक नकली अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों में विकास के आंकड़े सामने रखे। और इसलिए आज वक्त आ गया है कि इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी क्षमता रही है, उसकी तुलना पुरानी सरकारों के साथ की जाए। मैंने आज ये सारे आंकड़े 1947 से लेकर आज तक के सार्वजनिक किए हैं अपने एक लेख में जो मैंने सोशल मीडिया में डाला है। आज का जो 5 वर्ष का सन 14 से 19 तक का जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि की दर है 7.3%, वो 1947 के बाद किसी भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है। जो वित्तीय घाटा होता है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसके लिए सरकारों को उधार लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, वो 5.5% था यूपीए के सरकार के दौरान। एक बहुत ऊंचाई का फिस्कल डेफिसिट हमें मिला था
एक घाटे वाली सरकार मिली थी उसको धीरे धीरे कम करते हुए हम 3.4% पे ले आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार निर्भर होते हैं और हमारे रुपए डॉलर की पैरिटी का दर निर्भर होता है, हमेशा कंट्रोल के अंदर रहा है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि, जो यूपीए के कार्यकाल में 10% से आगे थी, आज जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो लगभग 2.5% के आसपास है। विदेशी मुद्रा के भंडार बहुत अधिक हैं। इन आंकड़ों की तुलना करना इस स्थिति में अति आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही ये तय हो सकता है कि किस सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। यही कारण है कि आंकड़ों को लाकर एक प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा किया जा रहा है, जबकि बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक, हमारे आंकड़ों को स्वीकार करते हैं।